आज का हमारा जो क्लास है अ केस ऑफ सस्पिशन, ये एक मिस्ट्री स्टोरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलिए शुरू करते हैं अ केस ऑफ सस्पिशन, एंड इट इज अ फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल मतलब समथिंग दैट्स नॉट ट्रू। कोई चीज जब ट्रू नहीं होती तो हम उसे बोलते हैं फिक्शनल स्टोरी, और ये एक मिस्ट्री भी है। मिस्ट्री जिसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, एक रोमांच है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अ केस ऑफ सस्पिशन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कंट्री साइड में रहने वाला, मतलब शहर के पास रहने वाला एक डॉक्टर एक पेशेंट को हेल्प करने के लिए जा रहा था। बहुत विंडी नाइट थी, स्टॉर्मी नाइट थी, तूफान आ रहा था, काफी तेज हवाएं चल रही थी। जब वो किसी पेशेंट को हेल्प करने के लिए जा रहा था डॉक्टर, तो उसे रास्ते में कौन मिला और वो क्या जाना, चलिए पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। बिफोर वी बिगिन द लेसन, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो सम ऑब्जेक्टिव्स, कि आप लेसन पढ़ने के बाद आप एक सस्पेंस स्टोरी को, जिस स्टोरी में रोमांच होता है, रहस्य होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी करेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, हम डायरेक्शंस कैसे देते हैं और कैसे समझते हैं, और कैसे हम एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट करके पैराग्राफ में लिखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आई सेड, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसका ग्रामर पॉइंट, इसका राइटिंग पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। आई रेकमेंड कि आप इस लेसन को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, और जो भी मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स बताती जाऊंगी वो आप ध्यान से नोट भी करते जाएंगे, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती रहे। लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1। ही थ्रू बैक द कवर्स एंड सैट अप ऑन हिज बेड, हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड फ्लोर फॉर हिज हाउस स्लिपर्स, द टेलीफोन रिंगिंग इंसिस्टेंटली अ लिटिल डिस्टेंस अवे। टेलीफोन इंसिस्टेंटली, लगातार बजे जा रहा था टेलीफोन। वो अपने बेड पर बैठा, अपने जो उसने चादर ओढ़ रखी थी उसको फेंक कर उतारा उसने। थ्रू बैक मतलब उतारा। हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड फ्लोर, अब उसकी जो घर की चप्पलें थी, स्लिपर्स जो थी, वो थोड़े दूर पड़ी हुई, तो जब उसने फर्श के ऊपर पैर रखा तो उसके जो पैर थे उनको काफी ठंडा फ्लोर, ठंडा फर्श महसूस हो रहा था। ही टर्न्ड ऑन द लाइट and walked to the phone and took down the receiver. उसने लाइट खोली, फोन के पास चलकर गया और रिसीवर उठाया। took down लिखा हुआ है, लेकिन उठाया है इसका मतलब रिसीवर, टेलीफोन का जो रिसीवर होता है ये। This is Dr. Benson, he said. मैं Dr. Benson बोल रहा हूँ। This November wind was bringing sounds of winter as it blew around the little white house. किस मंथ की बात है? नवंबर की, और काफी तेज सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के साथ साथ बहुत तेज हवा यानी कि विंड भी बहुत तेजी से चल रही थी। और उसका घर कैसा था? उसका घर था एक लिटिल व्हाइट हाउस, उसका घर एक व्हाइट कलर का घर था। हवा वो उसके घर के चारों ओर भी उसी तरह से बह रही थी। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लोथ्स, गॉट इन टू मतलब डॉक्टर ने कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहने? व्हाइट कलर का कोट। ही वेंट टू द टेबल एंड स्टेयर्ड अ मोमेंट एट हिज वॉच, वो टेबल के पास गया और उसने स्टेयर करना मतलब देखा, स्टेयर्ड अ मोमेंट एक क्षण के लिए अपनी वॉच की तरफ देखा। हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहेड ऑफ हिम, और उसकी जो आत्मा थी एक तरह से उसको कोस रही थी कि क्या जॉब है तुम्हारा, रात को सोने भी नहीं मिलता है, किस तरह का काम करते हो। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसको तो कभी भी पेशेंट का कॉल आ सकता है और वो उसको ना भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसकी जो आत्मा थी वो उसको एक तरह से कंप्लेन कर रही थी कि किस तरह का जॉब है, चैन भी नहीं है, सुकून भी नहीं मिलता, हमें हमेशा इस तरह का काम ऑड आवर्स पर करना पड़ता है। अहेड ऑफ हिम, अब आगे जो उसका काम था वो उसको काफी टॉर्चर कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे, 2 o'clock. His mind also complained at the horrible hour. और उसके माइंड ने भी, उसके दिमाग ने भी, उसके मन ने भी यही कंप्लेन किया कि इस आवर में, इस टाइम पर कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। He wondered why children had to be born at such improper times. इस टाइम पर भी बच्चों को पैदा होना है, क्यों होते हैं इस टाइम पर बच्चे पैदा?
ऐसे इम्प्रॉपर, ऐसे गलत समय पर, क्योंकि आधी दुनिया क्या पूरी दुनिया ही ऐसे रात के टाइम पर सो रही होती है, और बच्चों को इस टाइम पर क्यों पैदा होना होता है? तो ही इज जस्ट कंप्लेनिंग टू हिमसेल्फ, ही इज जस्ट कंप्लेनिंग टू द जॉब दैट ही डज। इस बात से हमें ये भी पता चलता है दैट समबडी इज हैविंग अ बेबी और वो बेबी की डिलीवरी के लिए वहां पर जा रहा है। ही टुक अप टू स्मॉल हैंडबैग्स, और उसके पास दो छोटे हैंडबैग्स हैं। एक जो छोटा बैग है उसमें है पिल्स यानी कि दवाइयां, एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, जो इस शहर के लोगों को भी मालूम था कि डॉक्टर साहब जब आते हैं तो वो अपना दवाई का बक्सा साथ लाते हैं। और जो दूसरा बैग था वो बड़ा वाला बैग था, वो था ऑब्स्टेट्रिकल केस, द बेबी बैग एज दे कॉल इट। बेबी बैग मतलब जिसमें सारी डिलीवरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी उस बैग में होती थी, ऑब्स्टेट्रिकल केस। ठीक है, जैसे मान लो सिजर्स होती होंगी, स्टेरिलाइजर होता होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो कि डॉक्टर्स को डिलीवरी के टाइम पर यूज होती हैं, वो सब उस बैग में थी। डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड अ मोमेंट टू लाइट एंड देन पुट द पैक ऑफ सिगरेट्स इन हिज ओवरकोट पॉकेट। तो डॉक्टर बेंसन जो कि उनका नाम था, उनको स्मोकिंग की भी आदत थी, तो उन्होंने क्या किया, वो एक क्षण के लिए रुके टू लाइट। टू लाइट मतलब एक सिगरेट को जलाने के लिए, और उन्होंने पूरा सिगरेट का पैकेट अपने ओवरकोट के पॉकेट में डाल लिया। द विंड फेल्ट लाइक अ सर्जन्स नाइफ एट हिज फेस एज ही ओपन्ड द डोर एंड रैन। अब जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, विंड मानो जैसे कोई सर्जन की नाइफ उनके फेस के ऊपर वार कर रही हो। बाकी तो वो सब जगह से कवर्ड थे, लेकिन उनका सिर्फ फेस ही खुला हुआ था, तो उनको फेस पर ऐसा लग रहा था मानो विंड जो है एक नाइफ की तरह मेरे मुंह पर वार कर रही है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और वो थोड़ा झुक कर भागने लगे अपने ड्राइववे के आसपास, अपने गैराज तक, क्योंकि वो ड्राइव करके वहां तक जाने वाले थे जहां पर बेबी बॉर्न होना था। हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, कफ्ड हाफ अ डजन टाइम्स एज ही ड्रोव डाउन द ड्राइववे, बट देन बिगन टू रन मोर स्मूथली एज ही टर्न डाउन द ग्रास स्ट्रीट एंड ऑन द डेजर्टेड हाईवे। हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, अब क्योंकि इतनी ठंड थी तो उनके जो गाड़ी का जो इंजन था काफी ठंडा हो चुका था, और वो काफी डिफिकल्टी, काफी मुश्किल के साथ गाड़ी शुरू हुई। कफ्ड हाफ अ डजन टाइम मतलब ब्रेक की आवाज आती लेकिन फिर रुक जाती, तो उसको बोलते हैं कि गाड़ी को भी खांसी हो रही है। कम से कम 6 बार तो इंजन में इग्निशन लगाया लेकिन वो चली ही नहीं। 6 बार के बाद कम से कम फिर वो चल पड़ी और वो अपने ड्राइव वे से बाहर ड्राइव करते हुए निकल गए। बट जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे, गाड़ी की स्पीड बेटर होती जा रही थी और गाड़ी काफी स्मूदली चल रही थी। जैसे ही उन्होंने ग्रास स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट का नाम है, उसको पास किया और वो हाईवे पर पहुंच गए। डेजर्टेड हाईवे का मतलब ऐसा हाईवे जहां पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान सन्नाटे वाला हाईवे। मिसेस ऑट सॉरली, हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन, बट इट सीम टू द डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर नॉर इन डे लाइट। अब डॉक्टर जो है गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन्हें किसका ख्याल आ रहा था, जिस पेशेंट को वो देखने जा रहे थे, और उस पेशेंट का नाम था मिसेज ऑट सॉरली। मिसेज ऑट सॉरली जो थी, उनका बेबी होने वाला था। अब डॉक्टर उनके बारे में सोच रहे थे कि इनके कम से कम 12 बच्चे तो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मतलब कम से कम 12 बच्चे, डजन मतलब 12, कम से कम 12 बच्चे तो हो चुके हैं, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं है कि इनका कभी अच्छे वेदर में या फिर दिन की रोशनी में कभी बेबी हुआ हो, मतलब हमेशा ऐसे ऑड टाइम पर ही इनका बेबी होना होता है, और वो हमेशा मुझे ही कॉल करती हैं। अब व्हाई, डॉक्टर बेंसन वाज अ कंट्री डॉक्टर, ही वाज स्टिल अ यंग मैन एंड कुडंट फाइंड द प्लेजर दैट हिज फादर द ओल्ड डॉग बेंसन had found in seeing Ott, the father who always 2 or 3 babies behind in the payment of his baby bills. अब इस बात से क्या पता चलता है, डॉक्टर बेंसन जो थे उनके जो फादर थे, ओल्ड डॉक बेंसन, उनके जो फादर थे वो भी डॉक्टर थे, उनके पेशेंट थे ये ऑट जो थे, जो बेबी के फादर थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, एक तो पैसे टाइम पर नहीं देते थे डिलीवरी के, 2 or 3 बेबीज बिहाइंड इन पेमेंट ऑफ द बेबी बिल्स, मतलब अभी 5th बेबी हो गया है लेकिन वो पेमेंट अभी दूसरे बेबी की ही कर रहे हैं, है ना,
सो दे वर ऑलवेज टू और थ्री बेबीज बिहाइंड इन द पेमेंट ऑफ हिज बेबी बिल्स. अब इसके फादर को तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन ये बेचारा ही वॉज अ यंग मैन और उनको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता था. वो तो अब क्योंकि उसके फादर इनको देखते थे तो इसलिए इनको भी देखना पड़ता था, लेकिन उसको कोई खास मजा नहीं आता था, उसको कोई खास अच्छा नहीं लगता था इनके देखना या इनको देखने के लिए जाना, और दैट टू एट द ऑड आवर. आई होप सेक्शन 1 आपको क्लियर हो चुका है. चलो इसके क्वेश्चन करते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन 8.1. तो पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है. डॉक्टर इन द स्टोरी वॉज एन एल्डरली मैन. क्या डॉक्टर स्टोरी में एल्डरली मैन था? नो. हमने पढ़ा है कि इट ही वॉज अ यंग मैन. हिज फादर हैड बीन अ कंट्री डॉक्टर टू. यस, उनके फादर भी एक कंट्री डॉक्टर थे. द डॉक्टर लाइक्ड लेट नाइट कॉल्स. क्या डॉक्टर को लेट नाइट कॉल्स पसंद थी? बिल्कुल नहीं. तो ये फॉल्स है. द डॉक्टर कैरी टू बैग्स ऑन हिज विजिट्स. क्या डॉक्टर दो बैग्स कैरी करता था? यस, ही यूज टू कैरी टू बैग्स. मिसेज ऑट सॉली वॉज हैविंग हर फर्स्ट बेबी. क्या ऑट सॉली का फर्स्ट बेबी था? नो, शायद वो 13th बेबी था. तो इट इज अ फॉल्स. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, ब्रीफली इनको आंसर करना है. एट वॉट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल? कितने बजे कॉल रिसीव किया? 2 बजे. एंड द आंसर इज डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल एट 2 o'clock. हु डिड ही विजिट एंड वाई? वो किसको विजिट करने जा रहे थे और क्यों? तो वो ऑट सॉली को विजिट करने जा रहे थे क्योंकि उनका बेबी होने वाला था. सो ही विजिटेड मिसेज ऑट सॉली बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. वॉट डिड डॉक्टर कैरी इन हिज बैग्स? डॉक्टर बैग्स में क्या कैरी करते थे? तो एक बैग में मेडिसिन होती थी और दूसरे बैग में ऑब्स्टेट्रिकल केस. तो द डॉक्टर कैरीड टू बैग्स. इन द फर्स्ट वन ही कैरीड ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेडिसिन इन द सेकेंड वन. नेक्स्ट इज Did the doctor receive prompt payment? How do you know? क्या डॉक्टर को फॉरन पेमेंट मिल जाती थी? आपको कैसे पता चला? सो हमने पढ़ा था ऑट सॉर्ली वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ पेमेंट्स बाय 2 or 3 बेबीज. एंड द आंसर इज नो, द डॉक्टर डिड नॉट रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट. इट इज मैंशन दैट मिस्टर सॉर्ली वॉज ऑलवेज 2 or 3 बेबीज बिहाइंड हिज पेमेंट्स. सो दिस वॉज सेक्शन 1. लेट्स मूव टू सेक्शन 2 नाउ. अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड्स? विल इट बी अबाउट मिसेज और मिस्टर सॉर्ली, और विल देयर बी अ चांस मीटिंग विद समवन एल्स? रीड अहेड टू फाइंड आउट. आपको क्या लगता है, क्या स्टोरी अब मिसेज और मिस्टर और सॉर्ली के बारे में होगी या फिर डॉक्टर को कोई और मिलेगा? चलिए पढ़ते हैं और ढूंढते हैं. इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सॉर्ली फार्म एंड द साइट ऑफ अ मैन वॉकिंग अलोन अलोंग द कंट्री रोड As seen just ahead by the lights of the car was a welcome relief to the doctor. सॉर्लीज जो थे वो सॉर्ली फार्म में रहते थे, और सॉर्ली और उनकी वाइफ, और वहां तक जाने के लिए काफी लंबी राइड डॉक्टर को करनी पड़ी. रास्ते में उन्हें एक आदमी नजर आया. साइट ऑफ अ मैन मतलब एक आदमी नजर आया. कैसे? वॉकिंग, वो चल रहा था और अकेला था. अलोंग द कंट्री रोड मतलब हाईवे के सटे हुए रास्ते पर वो चल रहा था. डॉक्टर ने उसे कैसे देखा? अपनी कार की लाइट्स के जस्ट आगे ही देखा. तो जब डॉक्टर ने उसे देखा, डॉक्टर के लिए एक वेलकम रिलीफ था, एक रिलीफ था, एक चैन की सांस उसने ली. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, रोड एकदम डेजर्टेड था, रोड पर कोई नहीं था, और डॉक्टर को एक आदमी देखकर अच्छा लगा तो उसने सोचा चलो मैं इसको लिफ्ट दे देता हूँ, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, कुछ बात बात भी हो जाएगी, और जो मुझे टेंशन हो रही है अंदर से, जो मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या ऑड सॉर्ली के बारे में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो मेरा रास्ता जो है आराम से कट जाएगा. तो इसीलिए वो एक वेलकम रिलीफ था डॉक्टर के लिए. बेशक एक अनजान आदमी था, लेकिन उस अनजान आदमी को देखना ही डॉक्टर के लिए एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. ही स्लोड डाउन, उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करा. लुक्ड एट द मैन, और उस आदमी को देखा, और वो आदमी वॉकिंग अलोंग विद डिफिकल्टी अगेंस्ट द विंड. अब भाई विंड तो चल रही थी उस टाइम पर, काफी मुश्किल से चल रहा था, और मानो विंड उसे उड़ाकर ले जाना चाह रही है, तो इस तरह से वो चल भी नहीं पा रहा था. और उसके पास एक छोटा सा पैकेज था, उसने अपनी बगल में दबा रखा था. कमिंग अलोंग साइड, डॉक्टर उसके पास से गुजर रहा था, डॉक्टर ने गाड़ी को रोका. डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड एंड इनवाइटेड द मैन टू राइड. द मैन गॉट इन. तो डॉक्टर बेंसन ने गाड़ी रोकी और उससे कहा कि तुम मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हो. वो जो आदमी चल रहा था रास्ते में वो गाड़ी में बैठ गया. आर यू गोइंग फार?
क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा। आई एम गोइंग ऑल द वे टू डिट्रॉइट, सेड द मैन, अ रादर थिन मैन विद अ स्मॉल आईज फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द विंड। कुड यू गिव मी अ सिगरेट? तो उस आदमी ने क्या कहा, मैं डिट्रॉइट जा रहा हूँ। ऑल द वे टू डिट्रॉइट मतलब मैं यहाँ से डिट्रॉइट जा रहा हूँ। उस आदमी का थोड़ा सा फेशियल डिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर ने दिया है। अ रादर थिन मैन, वो काफी, रादर मतलब काफी पतला आदमी था। स्मॉल ब्लैक आईज, और उसकी आंखें कैसी थी, छोटी काली थी, और उसमें विंड की वजह से आंसू आ गए थे। जब तेज हवा होती है, ठंडी हवा होती है, तो हमारी आंखों में से पानी गिरने लगता है, तो उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा ही था, और वो ठंड के मारे बहुत बुरा फील कर रहा था। तो उसने पूछा, क्या आप मुझे एक सिगरेट देंगे? कुड यू गिव मी अ सिगरेट? डॉक्टर बेंसन अनबटनड हिज कोट। डॉक्टर बेंसन ने अपने कोट का बटन खोला। देन रिमेंबर्ड द सिगरेट्स इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। अब उन्हें याद आया कि कोट के अंदर तो मैंने सिगरेट्स रखे ही नहीं थे, मैंने तो अपने ओवर कोट के पॉकेट में सिगरेट रखे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैकेट निकाला। ही टुक आउट द पैकेट एंड गेव इट टू द राइडर, हु देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट्स फॉर अ मैच। डॉक्टर ने उस पैकेट को निकाल कर उस राइडर को, यानी कि उस अनजान आदमी को दे दिया, और उसने अपनी पॉकेट में उसने माचिस ढूंढा। When the cigarette was lighted, the man held the packet a moment, then asked, "Do you mind, Mister, if I take another cigarette for later?" अब जब उस अजनबी आदमी ने अपना सिगरेट जला लिया, उसने पैकेट को देखा, पकड़ा उसे और पूछा, आप बुरा तो नहीं मानोगे कि अगर मैं एक और सिगरेट बाद के लिए ले लूं? द राइडर शुक द पैकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर। अब उसको लगा डॉक्टर हाँ ही बोलेगा, जब डॉक्टर ने मुझे लिफ्ट भी दे दी, मुझे सिगरेट भी ऑफर कर दिया, अब अगर मैं एक और सिगरेट ले लूंगा तो डॉक्टर मुझे मना थोड़ी ना करेगा। तो उसने डॉक्टर के आंसर सुनने से पहले ही एक और सिगरेट उसमें से पैकेट में से निकाल लिया। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच हिज पॉकेट, डॉक्टर की पॉकेट में अपना हैंड डालकर उसको रख दिया। आई पुट देम बैक इन योर पॉकेट, और उस आदमी ने कहा कि मैं इसको आपकी पॉकेट में वापस रख दूंगा। द लिटिल फेलो सेड, लिटिल फेलो मतलब वो थोड़ा छोटे कद का आदमी था। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट्स एंड वाज अ लिटिल इरिटेटेड टू फाइंड देम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन ने अपने पॉकेट में उसने हैंड डाला ताकि वो उनको ले ले, लेकिन उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगा, थोड़ा इरिटेट हो गया कि भाई मेरी मर्जी के बिना ही मेरी पॉकेट में ये कैसे घुस गया। उनको थोड़ा रूड लगा कि भाई ऐसे कैसे कोई मेरी पॉकेट में बिना मेरी परमिशन के हाथ डाल सकता है। A few minutes later, Dr. Benson said, अब डॉक्टर थोड़ा इस बात से इरिटेट तो हुआ, उसको बुरा तो लगा इस बात का, लेकिन वो थोड़ा भूल गया उस बात को, ठीक है। डॉक्टर ने पूछा, सो यू आर गोइंग टू डिट्रॉइट, तो तुम डिट्रॉइट जा रहे हो? डिट्रॉइट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट का नाम है। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स। तो उस आदमी ने क्या कहा कि हाँ, मैं काम की तलाश में, लुक फॉर वर्क मतलब काम की तलाश में, एक ऑटोमोबाइल प्लांट में, यानी कि एक इंडस्ट्री के अंदर, मैं जो कार्स में डील करती है, मैं उसमें काम ढूंढने के लिए डिट्रॉइट जा रहा हूँ। आर यू अ मैकेनिक, क्या तुम कोई मैकेनिक हो? डॉक्टर ने पूछा। मोर और लेस लगभग मतलब काफी हद तक मैं एक मैकेनिक हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड, बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ अगो। मैं एक ट्रक चला रहा था जब से वॉर खत्म हुआ है। वॉर कौन सा? मे बी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही इज टॉकिंग अबाउट। तो वो कह रहा है कि मैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद से मैं एक ट्रक चला रहा हूँ। दैट मीन्स वो काफी अच्छे से व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स को चलाना जानता है, लेकिन एक महीना पहले ही मेरी जॉब चली गई है। लॉस्ट माई जॉब मतलब मेरी नौकरी चली गई है। वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर? तो डॉक्टर बेंसन ने पूछा, क्या तुम वॉर के टाइम पर आर्मी में काम करते थे? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन, राइट अप एट द फ्रंट, ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 years। हाँ, मैं एम्बुलेंस सेक्शन में काम करता था और मैं एक ड्राइवर था, आर्मी फ्रंट पे काम करता था। फ्रंट का मतलब होता है सीमा, जैसे बॉर्डर पे काम करता था मैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा रिस्की एरिया था, मैं वहां पर काम करता था, और मैं वहां पर एम्बुलेंस 4 साल तक चलाता था। इज दैट सो? अच्छा, क्या सही में? डॉक्टर बेंसन ने कहा, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, डॉक्टर बेंसन इज माई नेम, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बेंसन है। तो उसने क्या कहा, I thought this car smelled like pills. The man laughed. Then he added,
more seriously, my name is Evans. तो उसने बोला मेरा नाम है Evans. लेकिन उससे पहले उसने एक छोटा सा जोक क्रैक करा. वो क्या था? हाँ, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि इस कार में से काफी दवाइयों की स्मेल आ रही थी. डॉक्टर की जब क्लिनिक में जाते हैं, और इवन डॉक्टर जब अपनी कार में भी पिल्स, दवाइयां और इस तरह का सामान रखते हैं, तो कार में से भी उस तरह की स्मेल आने लगती है. इवेंस ने एक छोटा सा जोक करा कि हाँ, मुझे लग ही रहा था कि आप डॉक्टर हो, क्योंकि कार में से काफी दवाइयों की स्मेल आ रही है. इवेंस खुद ही हंसा. फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मेरा नाम इवेंस है. दे रोड अलोंग साइलेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड राइडर मूव्ड हिमसेल्फ इन हिज सीट एंड प्लेस्ड हिज पैकेज ऑन द फ्लोर. थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई. वो लोग साइलेंटली बैठे रहे कुछ मिनट तक. जो राइडर था, यानी कि इवेंस जो था, वो थोड़ा सा और कंफर्टेबल होकर बैठ गया, और उसके पास जो एक छोटा सा पैकेज था वो उसने नीचे पैरों के साइड पर रख दिया. एज द मैन लीन्ड ओवर, और जैसे ही वो नीचे झुका, लीन्ड ओवर मतलब झुका, डॉक्टर बेंसन ने उसके चेहरे के अच्छी सी एक लुक देखी. मतलब जब हमारे साथ कोई बैठा होता है तो हम उसको नहीं देखते, लेकिन जब वो कुछ और करने के लिए नीचे झुका तो डॉक्टर ने उसको अच्छे से देखा, नजर भर के. फर्स्ट गुड लुक, गुड लुक मतलब अच्छे से देखा. उसने देखा कि उसका एक छोटा कैट लाइक फेस है. कैट लाइक फेस मतलब जैसे बिल्ली जैसा फेस है, छोटा सा. द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस्ड अ लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चीक, ब्राइट एंड रेड, लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रीसेंट ओरिजिन. और डॉक्टर ने और क्या नोटिस किया कि इस मैन के फेस पर, उसके गाल पर, एक गहरा घाव का निशान है, चमक रहा है और थोड़ा रेड कलर का है. ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी का ही इसका निशान पड़ा हो. जैसे मान लो इसने कोई किसी से लड़ाई करी हो, या कोई किसी आर्ग्यूमेंट में किसी से फाइट करी हो, और जिससे इसके ये निशान आ गया हो. फिर जैसे ही उसने ये देखा, उसे अचानक से ख्याल आया कि भाई मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूँ. He thought of Mrs. Ott sorely and reached for his watch. तो उसने एकदम से सोचा कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ. उसने सोचा कि चलो मैं टाइम देखता हूँ. He thought of Mrs. Ott sorely and reached for his watch. अब उसने अपनी वॉच को ढूंढने के लिए पॉकेट में हाथ डाला. His fingers went deep into his pocket before he realized that his watch was not there. और जब उसकी जो उंगलियां थी वो उसकी एक तरह से अपनी वॉच को ढूंढ रही थी. वो जैसे टटोल रहा था अपनी पॉकेट को, उसको ख्याल आया कि वॉच तो है ही नहीं मेरी पॉकेट में, अब क्या होगा. इससे पहले कि हम आगे का पढ़ें, लेट्स लुक एट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 8.2. और ये भी एक ट्रू फॉल्स है. तो आई होप आप लोग बहुत ध्यान से लेसन सुन रहे थे, स्टोरी सुन रहे थे. काफी इंटरेस्टिंग तो है, बट हमें इसके क्वेश्चंस को भी भूलना नहीं है. अ मैन आस्क्ड द डॉक्टर फॉर अ लिफ्ट इन हिज कार. क्या मैन ने लिफ्ट के लिए कहा था? नहीं, डॉक्टर ने लिफ्ट खुद ऑफर करी थी. तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द मैन वॉज क्राइंग बिकॉज ही बैडली वॉन्टेड अ सिगरेट. क्या वो आदमी रो रहा था क्योंकि उसको एक सिगरेट चाहिए था? नो, ही वॉज नॉट क्राइंग. इवेंस वॉज नाउ वर्किंग एज अ मैकेनिक इन एन ऑटोमोबाइल प्लांट. क्या इवन काम कर रहा था एक ऑटोमोबाइल प्लांट में? नो, वो जॉब के लिए जा रहा था. द डॉक्टर ऑफर्ड हिम टू सिगरेट्स. नो, द डॉक्टर डिड नॉट ऑफर हिम टू सिगरेट्स. उसने सेकेंड सिगरेट खुद ही ले लिया था. इवेंस हैड बीन एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द आर्मी. हाँ, इवेंस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था आर्मी में. यस, ही वॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर हमें 55 टू 60 वर्ड्स में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉक्टर इन्वाइट द मैन इन. डॉक्टर ने उस आदमी को इन्वाइट क्यों किया? द डॉक्टर वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ डेजर्टेड हाईवे अलोन एट अ वेरी ऑड टाइम. It was 2 a.m. when he got a call from Mrs. Sorely to help her deliver the baby. He wanted someone to be by his side during the journey. He had a strong urge to talk to somebody. So he was happy to see a man walking along the road. Thus he invited the man in his car. Moving to question number 2. How many cigarettes did the man take? Did the doctor like it? How do you know? कितने cigarettes उस आदमी ने लिए? क्या वो डॉक्टर को अच्छा लगा? आपको कैसे पता चला? तो इसका आंसर है, द मैन took out 2 cigarettes from the doctor's pocket, one for lighting at that time and one for later use. The doctor didn't like it because it was impolite. The doctor had offered him a cigarette out of courtesy. This did not go down too well as he thought it was not a good behavior of the man
to take out two cigarettes on his own from somebody's pocket. Third is, what irritated the doctor about the man? Doctor ko us aadmi ke baare mein kya irritating laga? And the answer goes like this, the doctor was quite offended by the impolite behavior of the man. First of all, it was impudent to take out two cigarettes from the pocket. It was a courteous offer and he should have shown the same courtesy by taking out only one cigarette. Secondly, he dared to touch the doctor's pocket. He was a stranger and it was not a proper manner to put hand in somebody's pocket. So this irritated the doctor. These are quite big answers kyunki ye 55 to 60 words mein likhne hai, but I want all of you to write them down and learn them also because they are quite important from exam point of view. D part is, who was Evans? Where was he going? Evans was an ex-army personnel. He had served in the army in the Second World War. He drove an ambulance for 4 years. Now he had been driving a truck after losing his job. He was going to Detroit to seek work in an automobile plant as a mechanic. Pick out two expressions from the passage that show the doctor was suspicious of Evans. आपको दो expressions यानी कि दो ऐसे excerpts pick करने हैं passage में से जिनसे पता लगता है कि doctor को even शक के घेरे में लगा. एक तो उसका face और ऊपर से उसके फेस पर एक स्कार भी था. The following expressions from the passage show that the doctor was suspicious of Evans. Number one, small cat-like face of Evans, and number two, the long deep scar on the man's cheek of recent origin. Number F देख लेते हैं. Why did the doctor reach for his watch? Doctor को उस time पर अपनी watch देखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि he was going to Ott Sawley और वो time देखना चाहते थे. Let's write it down. The doctor was on a call to his patient. This time it was a lady who was to deliver a baby. The doctor had to reach there in time, so he wanted to check the time in a hurry to reach there. It was then that the doctor reached for his watch. Did the doctor find his watch? What do you think he thought? Did his suspicion fell on Evans? Doctor ko kya apni watch mili? Aapko kya lagta hai unhone kya socha hoga? Kya doctor ka shak Evans ke upar aaya? No, the doctor did not find his watch. He thought he carried his watch which may have been taken by that man. Usko laga ki shayad ye jo aadmi mere barabar mein baitha hua hai Evans, usne hi meri पॉकेट से वॉच निकाल ली है जब उसने सिगरेट का पैक रखा था. सो हु हैड पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू पुट बैक द पैक ऑफ सिगरेट्स. नेचुरली हिज सस्पिशन फेल ऑन इवेंस. आज हम करेंगे सेक्शन 2 तक ही. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन 3 और आगे का सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगी. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय.